हमारी सरकार की योजनाएं किस तरह गांव में महिला सशक्तिकरण कर रही है, गांव में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है, उसकी चर्चा आज हर तरफ है। बीते 9 साल में 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई। यहां मध्य प्रदेश में भी 50 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। हमारी सरकार में हर स्वयं सहायता समूह को बिना बैंक गारंटी 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। कितने ही लघु उद्योगों की कमान अब महिलाएं ही संभाल रही है। यहां तो राज्य सरकार ने हर जिले में दीदी कैफे भी बनाया है। पिछले पंचायत चुनावों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी करीब 17,000 बहनें पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर चुनी गई है। ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। मैं मध्य प्रदेश की नारी शक्ति को इसके लिए फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आजादी के अमृत महोत्सव में समावेशी विकास का अभियान भी शुरू हुआ है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास के भाव को सशक्त करने वाला है। विकसित भारत के लिए देश की हर पंचायत, हर संस्था का प्रतिनिधि, हर नागरिक, हम सबको जुटना होगा। ये तभी संभव है जब हर मूल सुविधा तेजी से 100% लाभार्थी तक पहुंचे।